तरुण जी, अमृतसर का चुनाव एकदम लास्ट फेज में, किस तरीके का माहौल अपने शहर में आपको लग रहा है? हर जगह मोदी ही मोदी दिख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, हर जगह एक ही आवाज है, अब की बार 400 पार, देश में मजबूत मोदी सरकार। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हर जगह मिलकर चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे अलग अलग हैं, और जबकि आपके जो पुराने सहयोगी थे शिरोमणि अकाली दल, वो आपके साथ नहीं है, तो क्या अगर वो आपके साथ होते तो इस चुनाव में और ज्यादा मजबूती आती बीजेपी को? ऐसा है कि दिल्ली के अंदर दोनों का भाईचारा है और भाईचारक सांझ भी है, लेकिन पंजाब में आते ही आम आदमी पार्टी भाई बन जाती है और कांग्रेस चारा बन रही है। रोज कांग्रेस के नेताओं को पकड़ रहे हैं, उन पर उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कांग्रेस भ्रष्ट है, मंत्री भ्रष्ट हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। जो लुटेरे हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, उनके साथ आप दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और देश में गठबंधन चला रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि केजरीवाल साहब एक तरफ तो अपने कार्यक्रम में भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगा रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार के लिए कंपेन कर रहे हैं, उसको वोट डाल रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है, असल में इनकी मानसिक कुंठा सामने आ रही है, हार की हताशा को देखते हुए ये सभी इकट्ठे हुए हैं और सबके सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 18 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना है, और 18 के 18 का एक ही सपना है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, कि देश के अंदर कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए, देश के अंदर एक ऐसी सरकार आए जिसको ये नोच नोच कर बाद में खा सके, और इनके प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआएं पाकिस्तान में हो रही, रोज पाकिस्तान से प्रेस नोट रिलीज हो रहे हैं, पाकिस्तान भारत में बैठे अपने स्लीपर सेल्स को मैसेज दे रहा है कि आप कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन के लिए काम करें, लेकिन 4 जून को पटाखे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में नहीं, ये पटाखे भारत में बजेंगे, नगाड़े भारत में बजेंगे, पाकिस्तान में शुभकामनाएं करने वालों का मुंह लटकने वाला है, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार आ रही है, पाकिस्तान को कठोर जवाब देने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है। पर मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तान से रिश्ता आपका क्या कहलाता है, इस रिश्ते को क्या नाम दें, क्या नाम दें, जॉर्ज सोरस टूलकिट का हिस्सा है? सर एक बस अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में गद्दी सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी चला रही है, वो ये कह रही है कि बीजेपी अब उनकी राज्य की सरकार गिराने की साजिश रच रही है और कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार चुनाव के बाद गिराई जाए। ऐसा है कि किस बात का डर सता रहा है भगवंत मान साहब को? पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, असल में अपने भार और अपने पापों के कारण केजरीवाल का सिंहासन, भगवंत मान का सिंहासन हिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भगवंत मान साहब से, या केजरीवाल साहब जवाब दें कि आपके सेम केस में, सेम प्ली पर उन्होंने, सिसोदिया ने जमानत क्यों नहीं ली, संजय सिंह कहां हैं, स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है? असल में केजरीवाल साहब, मैं आपके टीवी पे भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरे को लगता है दिखाएंगे नहीं आपके टीवी वाले, अगले 1.5 दिन में केजरीवाल साहब कहीं भी नकली बेहोश होने वाले हैं, पंजाब के अंदर नकली बेहोश होंगे, और नकली बेहोश होकर वो किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिल होंगे और वहां से परमिशन लेंगे कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां से आवाज लग रही है 1 तारीख को कि अरविंद केजरीवाल हाजिर हो। वो आवाज से बचने के लिए अब पंजाब के अंदर कहीं नकली बेहोशी का नाटक होगा, क्योंकि नटंकीबाज तो नंबर 1 है, और ये वो समय इसलिए चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राबड़ी देवी 2 किया जा सके। उनकी पत्नी अभी कार्यक्रमों में आ रही है, माथे टेक रही है, प्रेस कर रही है, उसका असंतोष है आम आदमी पार्टी में, लेकिन अब केजरीवाल साहब तो दिल्ली को राबड़ी देवी 2 देने वाले हैं, इसलिए समय चाहते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी तबियत खराब है तो रोड शो करते हुए आप फिट हैं, सभाएं करते हुए फिट हैं, और जब बारी आई है तिहाड़ जेल जाने की तो आपकी तबियत खराब हो गई है? सच तो बताना पड़ेगा, मोबाइल कहाँ रखा है बताना पड़ेगा, 17 मोबाइल कहाँ गए बताना पड़ेगा, देश की जनता जानना चाहती है।